तो दोस्तों देखिए कितनी यूनिक सी चीज यहाँ पे रखी हुई है। ये है अंडा भजिया। ये अंडा काटने का टेक्निक भी है, एकदम अलग है। अंडा भजिया हो गया बन के रेडी। कितने आगे दिखाओ कैसा लग रहा है। शेयर्स के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज शाम को हम लोगों ने प्लान किया कि कहीं घूमने के लिए जाएंगे, सो लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे। तो यहाँ पे एक गाँव है कृतमाल नाम से, तो हमें पता चला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। तो भैया क्या नाम है आपका? यशवंत ना। तो भैया क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? अंडा भजिया, रोल चाउमीन, मंचूरियन। अच्छा, अंडा भजिया रोल चाउमीन है ना। तो सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे वो था अंडा भजिया। तो आइए देखते हैं उसकी कैसे प्रिपरेशन होती है। तो दोस्तों देखिए अंडा काटने का टेक्निक भैया का एकदम अलग है। धागे से अलग कर देते हैं इसको काट के। अच्छा, ये बेसन का घोल है ना अपना, इसमें क्या क्या डाला है भैया? तो बेसन और नमक जो भजिया में डालता है ना। तो देखिए दोस्तों कितना भैया का टेक्निक कितना अलग है अंडा काटने का। जो गर्म हो रहा है इसी में फ्राई किया जाएगा इसको। ये देखिए बहुत बढ़िया। कैसे रुपए प्लेट है भैया? 10 रुपए, ओनली 10 रुपए। कितना पीस रहता है? 2 पीस। ओके, तो दोस्तों काफ़ी किफ़ायती मैं कहूँगा इसको। ये देखिए कम जगह मिलता है देखने के लिए, तो मैंने देखा तो सोचा कि क्यों ना इसको कवर किया जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको ये जो डिश है वो लगा एकदम अलग सा। मैं आपको एड्रेस बताऊंगा बहुत जल्दी वीडियो के बीच में, तो स्टे ट्यून रहिएगा वीडियो में। आप घूमने निकल गए इस हाईवे में, तो आप चाहें तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं अंडा भजिया का बकायदा। टाइमिंग क्या भी आपका? 4 बजे से 9 बजे तक। तो दोस्तों देखिए अभी जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है, और वो जो अंडा जो भैया ने काटा था बड़े ही अच्छे स्टाइल में धागे से काटा था भैया ने, उसको अब हम लोग यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। एक बार में एक ही पीस डालते हैं ना भैया? ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमारा अंडा भजिया फ्राई हो जाता है, और काफ़ी किफ़ायती रेट में कहूँगा, 10 रुपये के 2 पीसेस हैं। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा अंडा भजिया हो गया बन के रेडी। कितने फूले फूले से लग रहे हैं, ये अपना भजिया जैसा दिख रहा है दिखने में। और ये देखिए गाइस मस्त निकल के अपना रेडी हो गया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खाने के लिए खड़े हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये कौन सी चटनी भैया? टमाटर और मिर्ची मिक्स है ना। दोस्तों एक प्लेट में 2 पीस जैसे कि भैया ने पहले कहा था, उसके बाद इसमें टमाटर और मिर्ची वाली चटनी हो गया ना। तो देखिए दोस्तों किस कुछ इस तरीके से जो है सर्व होता है ये। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा। ये है NH 49, और ये कृतमाल जो है गांव का नाम है, उसके सामने में थोड़ा सा बीच में रास्ते में भैया यहाँ पे लगाते हैं हरदी झरिया गांव के रास्ते के ठीक सामने में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों हमारे साथ टेस्ट टेस्टिंग करने के लिए है मनीष, जो कि एक इंजीनियर के एडमिन है। हाय हाय। चलो मनीष खा के दिखाओ कैसा लग रहा है। तो मनीष ने लिया एक बाइट, अंदर का दिखाओ फीलिंग। ये देखो गाइस देखने में लग रहा है एक अंडे जैसा पूरा ना, लेकिन ये 1/4 है एक अंडे का, हाफ का ही 1/4। कैसा लग रहा है मनीष? बहुत सही टेस्ट है। बहुत सही ठीक है, मतलब यूनिक लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है ना। ठीक है, शाम के समय अगर आप घूमने के लिए निकले और आपको मन कर रहा है कुछ खाने का इस हाईवे में, तो यहाँ पे एक बार अंडा भजिया जरूर ट्राई करने के लिए आइएगा। तब तक कुक बुक इसके साथ जुड़ रही है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चलिए बाय।